तो जिस प्रकार से हम लगातार आपको बता रहे हैं, यहाँ पे चुनावी माहौल बहुत गर्म है और हर प्रकार के यहाँ पर दिग्गज नेता मौजूद हैं। इस बीच हमने देखा कि भावी जिला पंचायती प्रत्याशी कैफी रिजवी, जो कि वार्ड नंबर 18 से यहाँ पर चुनाव लड़ने की इस बार तैयारियाँ कर रहे हैं, वो भी आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर ये भटंगवा ग्राम में मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे जरूर कि किस प्रकार उनकी तैयारियां चल रही हैं और कैसा समर्थन वो यहां के जनता से चाहते हैं, क्योंकि ये हरिजन बस्ती है, यहां पर वोटों का जो क्रम है वो कुछ ज्यादा है। आइए हम आपसे उनसे गुफ्तगु कराते हैं, एक जल्दी से उनसे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े, और हम अपने दर्शकों को लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रकार से आप इस वक्त चुनावी माहौल में एक अहम भूमिका बना चुके हैं एक युवा नेता के रूप में, तो किस तरह से आपकी तैयारियाँ हैं वो आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बाबा भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने जो है संविधान की रचयिता किया था, मैं सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूं। जितने भी अम्बेडकरवादी लोग हैं और जितने भी बाबा को मानने वाले हैं, वह समस्त भारतवासी को मैं बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। रही बात जो आपने अभी पूछी तैयारी की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हल्लौर और भटंगवा गांव है, दोनों एक ही गांव है, और यही मैं पैदा हुआ हूं, यही मैं बड़ा हुआ हूं, और यही हमने राजनीति सीखी है। और ये चुनाव कैफी रिजवी नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि हर नौजवान ये चुनाव लड़ रहा है। जिला पंचायत का पहली बार प्रथम बार ऐसा हुआ है कि कोई नौजवान जो इतना बड़ा चुनाव लड़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि कैफी रिजवी के साथ सिर्फ कैफी रिजवी के रिश्तेदार नौजवान भाई लोग नहीं है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही है। हल्लौर भटंगवा जगजमा, ये तो भाई हमारा संवाड़ी, तो हमारा वतन है, लेकिन आप इससे बाहर भी जाएंगे, जैसे बयारा है, सुनकर है, दाऊद जोर है, कंचनपुर है, हर जगह एक उत्साह है कि एक युवा प्रत्याशी जो बार बार, कुछ लोग खड़े हुए हैं, तीन बार चार बार खड़े हुए हैं, अभी आज मैं नेट पर देख रहा था तो कुछ लोगों की जमानत भी जब्त हो चुकी है। तो मैं प्रथम बार खड़ा हुआ हूँ, पूरी उम्मीद है कि आप युवाओं का सर झुकने नहीं देंगे। बहुत खूबसूरत बात यहाँ पर कही कैफी रिजवी साहब ने, क्योंकि ये खुद एक युवा प्रत्याशी हैं और वार्ड नंबर 18 के एक जानी मानी हस्ती भी हैं, क्योंकि जिस प्रकार से युवाओं में योग्य होगा, मैंने इनसे सवाल पहले भी किया था कि किस प्रकार से इनकी तैयारियां चल रही हैं, हालांकि इन्होंने बेबाकी से सवाल का जवाब दिया हमें। इन्होंने बताया कि युवा इनके साथ लगातार जुड़े हुए हैं, आने वाले वक्त में आगामी पंचायती चुनावों में मानसिकता ये दर्शाती है, नतीजे बहुत अच्छे क्रम में इनकी तैयारियां चल रही हैं। एक सवाल कैफी साहब मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी यहाँ पर खड़े हैं जिनका कोई भी चुनावी करियर नहीं है। अगर मैं बात करूं आम आदमी पार्टी से एक दिग्गज नेता, महिला नेता हैं, उनका कोई चुनावी बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन अगर मैं आपकी बात करूं तो आप यहां पर एक तरीके से युवा नेता की भूमिका में ज़रूर हैं, हालांकि पहली बार आप चुनाव में खड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से एक नेता की भूमिका रहती है, हर किसी के सुख दुख में आप मौजूद रहते हैं, और हमारी टीम ने आपकी कुछ वीडियोज़ देखी, फेसबुक पे थी वो, और फेसबुक पे वीडियोस देखने के बाद हमने इस बात का आकलन वहाँ से किया कि आपने बहुत सारे प्रयास किए, कई अगर हम देखें आने वाले भविष्य में तो लगातार एक अच्छे नेता के रूप में उभर के नजर। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने साथियों को बताना चाह रहा हूँ कि मैं 2009 से लोकप्रिय सांसद माननीय जगदम्बिका पाल जी, जो कांग्रेस से 27 साल बाद अपने बलबूते पे, जो कि इससे पहले काजी जलील अब्बासी, स्वर्गीय काजी जलील अब्बासी साहब हुआ करते थे सांसद, उसके बाद कांग्रेस एकदम यहाँ से लुप्त हो चुकी थी, तो माननीय सांसद जगदम्बिका पाल जी ने अपनी ताकत पे, क्योंकि 2004 में उनको सिर्फ 1.5 महीना मौका मिला था, कांग्रेस से उनका टिकट फाइनल हुआ था, तो राजनीति का शिकार हुए, और हमारे माननीय पूर्व सांसद मुकीम साहब ने कुर्ता लेके अपना जो खुद ही फाड़ा, और मुसलमानों के गांव में जाके कहा कि ये माननीय सांसद जी जगदम्बिका पाल जी जो बस्ती के डाकू हैं, या अजीब अजीब शब्द उनके ऊपर बोला, उन्होंने आरोप लगाया, और वो चुनाव उस पर वो सिंपैथी से वो जीत गए थे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 2009 से माननीय सांसद जी के ही साथ में हूँ मैं, और मैंने अभी तक कोई चुनाव लड़ा नहीं। और जहाँ तक समाज सेवा की बात है, तो समाज सेवा भाई साहब मेरे नेचर में है, मेरे कल्चर में है। ऐसा नहीं है कि मैं आज चुनाव लड़ रहा हूँ तो मैं लॉकडाउन में लोगों की मदद कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने हमेशा, जब से मैंने अपना होश संभाला है, हर जगह, खासतौर मैं जहाँ पे गरीब लोग ज़्यादा रहते हैं, मेरी भूमिका वहाँ पे ज़्यादा रहती है, हर असहाय के लोगों के उसमें मैं ज़्यादा पहुँचता हूँ, और अपनी कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद कर दूँ।
बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की ये मदद करें। और हकीकत में मैं आपको ये बात बताता चलूं, क्योंकि इनका खुद एक बैकग्राउंड डॉक्टर का बैकग्राउंड है, और जिस प्रकार से डॉक्टर यहाँ के लिए भगवान होते हैं, उसी तरीके से रात बिरात कभी भी अगर जरूरत पड़ी यहाँ के निवासियों को जो आस पास के गाँव से जुड़े हुए हैं, लगातार अगर इनके पास कोई फोन भी आता है तो हमें यहाँ के लोगों ने बताया कि उनके सुख दुख में ये 2400 घंटे तैनात थे। हम जानेंगे जरूर कि कैसा इनका रहा पिछला कुछ साल, जहाँ पर इन्होंने ऐसा कुछ अनुभव किया जहाँ लोगों ने इनको कॉल किया और ये एक कॉल पर तुरंत तैनात थे वहाँ पर। जीती जागती अभी यहाँ भटकवा के कई लोग हैं, करीब 30-32 लोग थे अभी पिछले कुछ समय पहले, ये वेयर हाउस में जॉब करते थे, लेकिन वहाँ के जो है सीनियरों ने हटा दिया वहाँ से उन लोगों को, और ये सारे लोग हमारे पास आए कि आप माननीय सांसद जी के बहुत ही खास हैं, दुलरवा हैं, तो हम चाहते हैं कि आप इसमें मदद करिए। ये यहाँ पे कई लोग बैठे हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, तब चुनाव लड़ने का कोई ऐसा वो नहीं था, और मैंने एक फ़ोन किया, ये लोग मौजूद हैं, अतवार भाई भी मौजूद हैं, अतवार भाई इनसे भी पता कर सकते हैं कि वहाँ पे सांसद जी के हैं, लोग गए, इनको पूरी इज्जत मिली और तत्काल इन लोगों को फिर जो है नौकरी से नियुक्ति इनकी की गई। तो और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि भाई ये लोकतंत्र है, सब स्वतंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है, वो चाहे आम आदमी पार्टी की है, चाहे वो प्रासपा से है, काजी निवादुल्लाह अच्छा भी है, और अबू बकर मलिक साहब है, तमाम लोग हैं, सब अपना अपना दावा पेश कर रहा, हमारे मित्र अजीमुशान फारूकी साहब है, लेकिन अभी हाल में एक बस्तिलिया में मीटिंग भी हुई थी कि उसमें जो है कि लोग खड़े हों तो बेहतर है, तो मैंने कहा कुरा भाई निकाल लिए गोटी, जिसकी गोटी आ जाए वो लड़ ले, तो ये सब अलग मैटर है, सब अपने हिसाब से तैयारी कर रहा है, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, खास तौर मेरे साथ युवा है, और युवा के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा 35 साल का मेरे पिताजी ने यहाँ जो मेडिकल स्टोर खोला था, तो मैं हर एक घर में मुझे लोग जानते हैं, और हमारी इत्तेफाक से महिला सीट है, हमारी जो है पत्नी है वो माध्यमिक इंग्लिश टीचर है मॉडर्न हायर सेकेंडरी स्कूल में, तो मुझे लगता है कि हर दूसरे घर में एक उनकी स्टूडेंट भी मौजूद है, तो जब गुरु उनके घर में अपने चेला के घर में जाएंगे वोट मांगने के लिए।